स्टूडेंट्स सिक्स क्लास में 8.4 एक्सरसाइज आपकी रनिंग में है, जिसमें मैंने आपको कल जो है क्वेश्चंस करा दिए थे और क्वेश्चंस आपको कहां तक कराए थे। डेट है आज हमारी 10, 12, 20, क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको 5-4 तक। तो आज पांचवा क्वेश्चन कराया जा रहा है। पांचवे क्वेश्चन में दो मिनट बात करूं, पांचवे क्वेश्चन के बाद मीनाक्षी स्कोर 1/2 ऑफ द टोटल मार्क स्कोर। मीनाक्षी ने जो स्कोर बनाया 1/2 ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर बाय वंदना एंड सीमा, यानी वंदना और सीमा के जितने भी नंबर आए उसका हाफ कर देंगे हम, तो मीनाक्षी के नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इफ वंदना एंड सीमा दोनों का स्कोर दिया है 5x और 3y मार्क्स रेस्पेक्टिवली, तो वंदना का लिख लेते हैं बेटा हम। सबसे पहले वंदना ने कितने, वंदना के मार्क्स, तो वंदना स्कोर बना रहे हैं बेटा कितना है 5x। फिर है वंदना के बाद सीमा 3y, तीनों दोनों के मार्क्स लिख दिए मैंने, इसके भी मार्क्स लिख दिए, दोनों का टोटल कर देंगे टोटल मार्क्स, वंदना सीमा के टोटल कर दो 5x + 3y। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द मार्क्स स्कोर्ड बाय द मीनाक्षी। तो मीनाक्षी के मार्क्स जहां लिखेंगे स्कोर बाय द मीनाक्षी स्कोर, तो मीनाक्षी का स्कोर बता, एम मीनाक्षी का बता रहे बेटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x + 3y / 2, 5x + 3y / 2, तो ये मीनाक्षी के मार्क्स आ जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आता है 6 नंबर, विनय इज एक्स ईयर ओल्ड, तो विनय इज एक्स ईयर ओल्ड, तो विनय हमारे पास एक्स ईयर का है, हिज ब्रदर इज 4 ईयर मोर, हिज ब्रदर, ब्रदर की जो एज है हिज ब्रदर एज, तो हिज ब्रदर 4 ईयर मोर, तो x + 4 आ जाएगा, x + 4 ईयर, हिज ब्रदर x + 4 ईयर आ जाएगा। तो नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एज। विनय की एज एक्स ईयर है, हिज ब्रदर की एज 4 ईयर मोर है, हिज ब्रदर 4 ईयर मोर देन 2x हिज एज, तो बाय ATQ, बाय ATQ कर लो बेटा। तो देखिए बेटा विनय की एज है x और हिज ब्रदर की एज है x + 4, तो एक तरफ तो x + 4 लिख दो, एक तरफ x लिख दो। विनय एज एक्स ईयर ओल्ड, हिज ब्रदर एज इज 4 ईयर मोर देन 2x हिज एज, विनय की एज एक्स ईयर है और उसके भाई की एज 4 ईयर ज्यादा है, देन 2x हिज एज, उसकी एज से 2x, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, विनय की जो एज है यानी विनय की एज एक्स ईयर ओल्ड है, हिज ब्रदर एज 4 ईयर मोर, उसका जो भाई है वो 4 साल बड़ा है, ट्वाइस हिज एज, उसकी ट्वाइस हिज एज, तो यहां 2 लगा दो। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ए नोटबुक कॉस्ट x रुपीज, नोटबुक कॉस्ट x रुपीज, पेन कॉस्ट y रुपीज, कॉस्ट ऑफ नोटबुक रुपीज x,
कॉस्ट ऑफ पेन रुपीज 22, ठीक है। ए गर्ल परचेज 8 नोटबुक, कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक, कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक, कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक की कॉस्ट आ जाएगी आपकी 8x, रुपीज 8x। कॉस्ट ऑफ 3 पेन, थ्री वाई रुपीज, ठीक है। सी गेव 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर, तो बाई 80 क्यूब, तो ये आ जाएगी 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 100 रुपीज। इक्वेशन बन गई बेटा। राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द चेंज द सी विल गेट। तो पी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। रेंटल फॉर ए टेलीफोन रुपीज 100 रुपीज, टेलीफोन का जो किराया है वो 100 रुपीज है एंड द रेट कॉल्स 30 पैसा पर मिनट। अच्छा रेंटल है तो रेंटल लिख देता हूं रुपीज 100, रेट है हमारे पास 30 पैसा पर मिनट, 30 पैसा पर मिनट है। तो मैंने बेटा वो लिख दिया, रेट लिख दी 30 पैसा पर मिनट लिख दिया। नेक्स्ट कह रहा है राइट इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मिनट। हाँ अभी मैं क्लास में हूं, इस बाद में है ना, अभी 2 मिनट। तो नंबर ऑफ मिनट हो जाएंगी एन, नंबर ऑफ मिनट एन है, तो हमारे पास 30 पैसा पर मिनट है बेटा। नंबर ऑफ मिनट एन होगी तो 30n हो जाएगा ये हमारे पास। राइट इन एग्जेबल एज टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मिनट इन स्पेंड ऑफ द बिल, तो बाई 80 क्यू कर लो, तो 30n इज इक्वल टू 100, 30n इज इक्वल टू 100। तो ये आपका आठवां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। राधिका बॉट एक्स सीट ऑफ रुपीज 0.50 ईच, एक्स सीट एट रुपीज 0.50 ईच, एक्स सीट खरीदी और एक सीट है 0.5 की, तो यहां मल्टीप्लाई कर दो एक्स इंटू 0.5, तो 0.5x। फिर चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट तो चॉकलेट हो जाएगी 5.85 इंटू वाई, तो 5.85 वाई। सी सोल्ड द स्वीट, ये तो सोल्ड एसपी, ये कॉस्ट प्राइस आ गए, दोनों का सीपी आ गए बेटा। अब एसपी निकालेंगे हम, तो 0.585 को 0.85 इंटू एक्स, तो 0.85x। और चॉकलेट तो चॉकलेट हो जाएगी 9 इंटू वाई, तो 9y। राइट द एल्जेब्रिक फॉर द प्रॉफिट अर्न बाई हर, प्रॉफिट देखिए।